आपकी दोस्त और होस्ट, और आज मैंने बनाई है जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद। तो चलिए देखते हैं कि मैंने प्रसाद में क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पर मैंने आलू की खीर बनाई है, पनीर बनाया है, साबूदाना और आलू की टिक्की बनाई है, ये नारियल की बर्फी बनाई है जिसमें कि मैंने नारियल के साथ साथ मलाई का इस्तेमाल किया है, पूरी बनाया है जिसे मैंने थोड़ा सा अलग शेप दिया है, साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, खीरा का रायता बनाया है, यहाँ पे मैंने डाला है मिश्री और मक्खन। मक्खन श्री कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पे मैंने मक्खन और मिश्री भी डाला है, क्योंकि उनका प्रसाद बिना मक्खन और मिश्री के अधूरा है। इसके साथ ही मैं एक और सामान इसमें ऐड करने जा रही हूँ, जिसके बिना श्री कृष्ण का प्रसाद बिल्कुल भी अधूरा है, और वो है तुलसी पत्ता। इसके साथ भी मैं तुलसी पत्ता भी डाल रही हूँ ताकि हमारा प्रसाद पूरा हो जाए। आप इसे थाली कहें, मैं इसे प्रसाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसे कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल दिवस पे बनाया है, तो मैं इसे श्री कृष्ण का प्रसाद बोलूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा यह प्रसाद पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी मेरे इस प्रसाद को बनाएं और श्री कृष्ण को चढ़ाएं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये प्रसाद बनाने में क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया है।